नीतिवचन अध्याय 25 नीतिवचन अध्याय 25 सुलेमान के नीतिवचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकियाह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। राजा के सामने से दुष्टता को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बढ़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए कि आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराया का भेद न खोलना, ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर, वैसे ही मनाने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल को पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बढ़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालती है। क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बार बार जाने से अपने पाव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े पाव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतरवाना व सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल दे। जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने के मुख पर क्रोध छो जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गदले सोते और बिगड़े हुए कुएं के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो।